दोस्तों सब्सक्राइब करो अर्निंग बाबा को और अर्निंग बाबा के वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए इस बेल बटन को क्लिक करो। नमस्कार दोस्तों, अर्निंग बाबा में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपका फ़ोन भी बार बार हैंग करता है और आप भी हैंगिंग प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका फ़ोन हैंग क्यों करता है और उसे ठीक करने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। और मैं एक ऐप के बारे में बताऊँगा इस वीडियो में, जिसका यूज़ करने पर आपका फ़ोन बहुत ही स्मूथली चलेगा, फास्ट चलेगा और आपका हैंगिंग प्रॉब्लम भी बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, पहले ये जान लेते हैं कि आपका फ़ोन हैंग क्यों करता है। गूगल प्ले स्टोर में इतना सारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है कि हम हर रोज कुछ ना कुछ नया एप्लीकेशन अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करते हैं, जिससे हमारा मोबाइल का जो रैम है वो फुल हो जाता है। और जब भी आपका मोबाइल का रैम फुल हो जाएगा तो आपका मोबाइल हैंग करने लगेगा। तो मोबाइल का हैंग होने का जो मेन रीजन है वो यही है कि आपका रैम फुल हो गया है, उसमें स्पेस नहीं बचा है, जिसके वजह से आपका फ़ोन बार बार हैंग हो जाता है। हम जब भी अपने फ़ोन पर एप्स यूज करते हैं, उसे ओपन करते हैं, तो वो एप्स ऑन ही रह जाता है एंड्रॉयड में और बैकग्राउंड में वो एप्लीकेशंस चलते रहते हैं, जिसके वजह से आपका रैम का स्पेस वो यूज करता है, जिसके कारण भी आपका फोन हैंग होता है। तो इसे ठीक कैसे करें? तो इसे ठीक करने के लिए आपको अपने रैम को खाली करना होगा। जब आपका रैम खाली होगा आपका फोन हैंग करना बंद कर देगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने फोन के रैम को कैसे खाली कर सकते हैं। दोस्तों, शायद आपको पता होगा कि व्हाट्सएप आपके फोन स्टोरेज पर ही इंस्टॉल होता है और आप जो भी इमेजेस या वीडियोस व्हाट्सएप में अपने फ्रेंड्स को सेंड करते हैं या फिर आपके फ्रेंड्स जो भी इमेजेस एंड वीडियो आपको सेंड करते हैं, वो सारा आपके फ़ोन स्टोरेज के व्हाट्सएप फोल्डर में स्टोर होते रहता है, जिससे आपका फ़ोन का स्टोरेज फुल हो जाता है और इसके वजह से भी आपका फ़ोन हैंग करता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसे ठीक कैसे किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन के फाइल मैनेजर पर जाइए। ये रहा मेरा फाइल मैनेजर, माय फाइल्स। माय फाइल्स को ओपन कीजिए, फिर डिवाइस स्टोरेज को ओपन कीजिए। ये रहा डिवाइस स्टोरेज। उसके बाद आप नीचे आइए, नीचे में ये देखिए व्हाट्सएप का फोल्डर, इस व्हाट्सएप का फोल्डर को आप ओपन कीजिए। ये सेकंड नंबर पे जो है मीडिया, इसे ओपन कीजिए। ये रहा व्हाट्सएप का सारा फोल्डर, ये व्हाट्सएप वीडियो को ओपन कीजिए। ये देखिए आप जितना भी वीडियो आपको सेंड किया है आपके फ्रेंड, ये आपके फ़ोन स्टोरेज पर स्टोर हो गया है। तो आपको ये सारा वीडियोस को या तो दूसरे फोल्डर में मूव करना है या फिर डिलीट करना होगा। और ये जो फर्स्ट नंबर में जो आप फोल्डर देख रहे हैं सेंट, इस फोल्डर पर वो सारा वीडियो सेव है, जो वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स को सेंड किए थे वो सारा वीडियोस यहाँ पर सेव हो जाता है। तो आपको इस वीडियो सबको भी या तो मूव करना है या फिर डिलीट करना होगा। इसी तरीके से जो व्हाट्सएप इमेज फोल्डर है, व्हाट्सएप इमेज फोल्डर में भी सारा इमेजेस जो भी आपके फ्रेंड आपको सेंड किए हैं वो यहाँ पर स्टोर हो गया है। और ये जो फर्स्ट नंबर पर जो आप यहाँ देख रहे हैं फोल्डर सेंट नाम से, यहाँ पर वो इमेजेस स्टोर है जो आपने अपने फ्रेंड्स को सेंड किया था, वो सारा इमेज यहाँ स्टोर हो गया। तो आपको ये सारा इमेज को या तो डिलीट करना होगा या फिर किसी दूसरे फोल्डर पर मूव करना होगा, तब आपका फ़ोन का स्टोरेज खाली होगा और आपका फ़ोन हैंग नहीं करेगा। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन के सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद आपका फ़ोन, क्योंकि मैं सैमसंग फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, आपके फ़ोन में वो सेटिंग अलग हो सकती है, आप अपने फ़ोन के स्टोरेज पे जाएं। ये रहा मेरा स्टोरेज और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कैश डेटा, इस कैश डेटा को आप अगर डिलीट करते हैं तो आपका फ़ोन का रैम कुछ खाली होगा। तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं अपने कैश डेटा को। दूसरा तरीका है, आप अपने फ़ोन के फाइल मैनेजर पर जाएं। ये रहा मेरा फाइल मैनेजर, इसे ओपन कीजिए। ये रहा ऑल, ऑल पर क्लिक कीजिए। डिवाइस स्टोरेज पर जाइए, क्योंकि जब भी हम कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वो आपके डिवाइस के जो स्टोरेज है उसमें एक फ़ोल्डर बना देता है, और जब आप उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल भी कर देते हैं तो भी वो फ़ोल्डर वहाँ रह जाता है और उस फोल्डर से रिलेटेड कुछ डेटा उसमें स्टोर रह जाता है। तो हम वैसे एप्लीकेशंस के फोल्डर को यहाँ से डिलीट कर देंगे जिस एप्लीकेशन को हम अनइंस्टॉल कर चुके हैं अपने फ़ोन से। flipkart.android ये एप्लीकेशन नहीं यूज़ करता हूँ, इसे मैं सेलेक्ट कर लिया। हैज़ ऑफर, इसे भी मैं यूज़ नहीं करता हूँ, इसे मैं अनइंस्टॉल कर चुका हूँ पहले ही। IRCTC को भी मैं अनइंस्टॉल कर चुका हूँ। तो इस तरीके से ये एप्लीकेशन जो आप अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर चुके हैं पहले ही, उसके फोल्डर को डिलीट कर दें। डिलीट करने से पहले आप अंदर पर जाकर देख लें कि कोई इंपॉर्टेंट डेटा तो उसमें नहीं है, अगर है तो उसे आप स्टोर कर ले
दूसरे फोल्डर पर। तीसरा तरीका है कि आप अपने फ़ोन के सेटिंग पर जाएं। सेटिंग पर जाने के बाद आप अपने फ़ोन के एप्लीकेशन मैनेजर पर जाएं। ये रहा मेरा एप्लीकेशन मैनेजर। इसे ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि आप जितना भी एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हैं अपने फ़ोन पर, यहाँ पर शो कर रहा है सारा एप्लीकेशंस। अब जो जो एप्लीकेशन आप यूज़ नहीं करते हैं अपने फ़ोन पर, वो एप्लीकेशंस को या तो आप डिसेबल कर दीजिए या फिर अनइंस्टॉल कर दीजिए। जैसे मैं ये एप्लीकेशन यूज़ नहीं करता हूँ तो मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ। ये डिसेबल हो रहा है। इस तरीके से जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ नहीं करते हैं अपने फ़ोन पर, उस एप्लीकेशन को या तो आप अनइंस्टॉल कर दीजिए या फिर डिसेबल कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये एप्लीकेशंस जो आप यूज़ नहीं करते हैं, वो आपके रैम के कुछ डेटा को यूज़ कर रहा है, इससे वो खाली हो जाएगा और आपका फ़ोन हैंग करना बंद कर देगा। और चौथा तरीका है वो एप्लीकेशन जिसका यूज़ करके आप अपने फ़ोन को फास्ट, स्मूथ और हैंग से बचा सकते हैं, उस एप्लीकेशन को अब हम इंस्टॉल करते हैं अपने फ़ोन पर। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर पर जाएँ। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप यहाँ पर लिखे एप्स बूस्टर प्लस, ये मैंने लिखा, ये रहा एप्स बूस्टर प्लस। आप इस एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। मैंने ऑलरेडी इसे इंस्टॉल कर रखा है अपने फ़ोन पर, तो मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आप फर्स्ट नंबर पर जो देख रहे हैं रैम लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर शो कर रहा है कि कौन कौन सा एप्लीकेशन जो अभी ओपन है आपके फ़ोन पर, जो आपके रैम को यूज़ कर रहा है। देखिए इतना सारा एप्लीकेशन अभी ओपन है और आपके रैम को ये यूज़ कर रहा है, जिसके वजह से आपका फ़ोन हैंग कर सकता है, स्लो हो सकता है। तो आप इसे बूस्ट कर दीजिए। नीचे जो आप ये बटन देख रहे हैं, इस बटन को क्लिक करने पर आपका रैम बूस्ट कर देगा ये एप्लीकेशन। देखिए बूस्ट हो रहा है। बूस्ट होने का मतलब है कि ये जो एप्लीकेशन जो चालू है आपके फ़ोन पर, ये उसको बंद कर देगा और जिससे आपका रैम खाली हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं 154 MB स्पेस खाली कर दिया आपके रैम से। ये ऐप आपके फ़ोन के जो बैकग्राउंड में एप्लीकेशंस चालू है उसको बंद कर देता है और रैम का स्पेस को खाली कर देता है।